मध्य प्रदेश के खरगोन में पेरिस से लौटी छात्रा के जिला प्रशासन को सूचना दिए बगैर बाजार में घूमने पर डीएम ने नाराजगी जताई। बाद में छात्रा ने पेरिस से दिल्ली लौटने के दौरान दिल्ली सरकार की बदइंतजामी की पोल खोल दी। खुले रूप में स्टूडेंट ने कहा कि दो दिन तक हमें खाना तक नहीं दिया गया, बस में कई कई घंटों तक बंद रखा गया, 14 दिन होटल में रखने के 4000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेंट भी मांगा गया था। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बेड़िया निवासी छात्रा सुनीता जैन पेरिस से अपने घर बेड़िया लौटी। पेरिस से लौटने की सूचना जिला प्रशासन को नहीं देने पर कलेक्टर ने बैठक में नाराजगी जताई थी। बाद में स्टूडेंट सुनीता जैन ने केंद्र सरकार की बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी। छात्रा ने कहा कि 15 मार्च को मैं पेरिस से 16 की सुबह दिल्ली पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे रात तक बिठाए रखा, पानी की बोतल तक उपलब्ध नहीं कराई, 14 दिन होटल में रखने के लिए कहा 4000 रुपये प्रतिदिन देना होगे। जब हमने कहा कि यह सरकार ने हमें रखा है, सरकार की जिम्मेदारी है, वही व्यवस्था करेगी। पुलिस वालों को भी बताया लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ली। रात 3 बजे हमें खाना उपलब्ध कराया गया, कई लोगों को बस में घंटों बंद रखा, किसी तरह हम घर पहुंचे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बोलो। मेरा नाम सुजिता जैन है, मैं बेड़िया की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर कल्याण जैन है। मैं पेरिस में पढ़ती हूँ स्कीमा बिजनेस स्कूल में। मैं 15 तारीख की रात को 9 बजे पेरिस से निकली, सुबह 16 तारीख की 9 बजे एयरपोर्ट आई दिल्ली, और सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर हमें रखा और खाने को कुछ नहीं दिया गया, ना पानी की बॉटल, कुछ भी नहीं। बूढ़े लोग, बच्चे, छोटे छोटे सबकी तबीयत खराब होने लगी। बूढ़े लोग चक्कर खा के गिर रहे थे। हमने पुलिस वाले से बोला आप डॉक्टर्स बुलाइए या उन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, ना उन्हें बैठने के लिए जगह दी। वो ट्रॉली पे अपने बैग्स के साथ बैठे थे। रात को 9 बजे हमें एयरपोर्ट से बाहर निकाला और कहा गया कि आप बस में बैठिए, आपको कैंप साइट लेके जा रहे हैं। जो मेरे दोस्त थे वो पहले जा चुके थे, उनसे हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें बिठा के रख दिया, मतलब बस में बिठा के लॉक कर दिया, और बसेस में विंडो खुलने के लिए कोई जगह नहीं थी, और 2 घंटे के लिए उन्हें वहीं बिठा के रखा। उसके बाद गोविंदपुरी में किसी स्कूल में जाके उन्हें नीचे बिठा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने जब इस बात से पुलिस वालों से और दिल्ली अथॉरिटी से लड़ाई करी कि हम लोग को ऐसे नहीं रहना है कि एक रूम में आप 30 लोगों को रख रहे हो, ये वो, तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, हम आपके लिए प्राइवेट होटल में वो करते हैं, आप 4000 रुपये पर नाइट का दीजिएगा और खाने का अलग, पर आपको 14 दिन तक रहना पड़ेगा। हमने कहा ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ने किया है ये सारा सेटअप, तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी। उसके बाद वो कहते हैं हम आपको एक गेस्ट हाउस लेके जाएंगे, वहाँ एक रूम में 2 लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद आप लोग का ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर आएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें वहाँ ले जाके और बस में वापस बंद कर दिया, 2 घंटे हम बस में बंद रहे। उसके बाद जब हम लोग रोने गाने लगे, चिल्लाने लगे, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर हमें बाहर ऐसे ही रखा। रात को 2 बजे खाना दिया, जो हमने 15 तारीख की फ़्लाइट में 10 बजे रात को खाना खाया था, उसके बाद सीधा हमने 16 तारीख की रात को 2 बजे हमें खाना प्रोवाइड किया गया। उसके बाद पूरी रात हमें ऐसे ही रखा, और फिर सुबह कुछ 3, 3:30, 4 बजे कहते हैं कि आप अपने हमने जब लड़ाई करी कि हमें अपने रूम भी नहीं प्रोवाइड किया है, हम इतना थक चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कहा ये फॉर्म साइन कीजिए और आप लोग चले जाइए। हमने कहा रात के 3, 3:30, 4 बज रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे आधी रात को। तो जो भी वहाँ पर पुलिस वाले ये लोग थे कहते कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है और आप देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगे, अगर आपको रुकना है तो फिर हम 14 दिन रुकेंगे। बट जो कुछ हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे हो चुका था उस वजह से हम लोग डर गए। फिर हमने अपने रिश्तेदारों को या जिससे भी हमको मदद मिल सकी हमने ली, और फिर हम 17 तारीख की ट्रेन ली और फिर 18 तारीख को यहाँ पर आए अगले दिन। और हमारे जाने के, हम लोग जब चले जा रहे थे उसके बाद वो लोग ग्रुप बना के कहते हैं कि 32 लोग आए थे, 2 लोग उसमें से रुके, उन लोगों की रिपोर्ट बना देंगे कि इन लोग को थोड़ा सा फीवर है इसलिए इनको यहाँ रखा है, बाकी 30 लोगों की रिपोर्ट बना देंगे कि नेगेटिव था। अच्छा, फिर यहाँ के जांच हुई बेड़िया में?
हाँ, पेड़िया में डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने चेकअप किया मेरा, पूरे घर वालों का, और पल्स रेट और ये सारी चेक करी, नोट करा, और हैंड सैनिटाइजर और मास्क प्रोवाइड करके गए। उन्होंने पुलिस आई थी, कौन आया था, डॉक्टर आए थे? डॉक्टर्स आए थे। ये वो इटली से आई है और बिल्कुल कोई जैन फैमिली की है, और क्योंकि उनका परिवार वहाँ वो इंग्लैंड भी रहते हैं, और हमको मुझे जैसे ही रात को सूचना मिली, कलेक्टर साहब के द्वारा दूरभाष पे दिया गया, तो उसको तत्काल में वहाँ पे डॉक्टर को भेजा गया है उनके घर में, और उनको समझाइश दी है कि वो होम आइसोलेशन में रहें 14 दिन तक के, और घर से बाहर नहीं जाएँ। क्या जिला प्रशासन को उन्होंने आने से पहले सूचना दी थी? चूंकि हमने बताया कि अच्छा जैसा अभी आपको कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरी सूचना का एक तंत्र बना हुआ है जो भारत सरकार से IDSP के थ्रू मतलब स्टेट में आता है, स्टेट के बाद सीधे हमारे पास आता, हमारे पास इसकी सूचना नहीं थी, वो चूंकि डायरेक्ट आई हुई है और उसका जो एड्रेस होगा शायद उसने यहाँ का नहीं दिया था, इसीलिए हमको ये सूचना नहीं मिल पाई थी, तो अदरवाइज पर हमने तत्काल कार्रवाई कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।